नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकल कर आ रही है कि रविवार को आरा सलेमपुर मुख्य पथ पर स्थित जीडी गोयनका स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री व आरा के सांसद राजकुमार सिंह ने किया। भोजपुर के केंद्रीय मंत्री व सांसद राजकुमार सिंह ने विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा, इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के प्रबंधन को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपील की। साथ ही कहा कि भोजपुर जिला के लोगों के लिए यह विद्यालय मुख्य रूप से एक बड़ा उपहार है। अब यहाँ रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन क्रमशः कमलेश कुमार और अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि जीडी गोयनका विद्यालय जिले के लोगों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यहां बिल्कुल वाजिब फीस में आदर्श रूप से शिक्षा का माहौल तैयार किया जाएगा। अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों का भी उच्च प्रबंध किया गया है। यहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा अत्याधुनिक परिवेश में बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय पूरे देश में अपने उच्च शिक्षा के लिए विख्यात है। ऐसे आरा के लोगों को जी हम बेहतरीन परिवेश और माहौल में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद। टाटाडी छात्रों के माता पिता, अभिभावक, साथियों, भाई और बहन, हमारे इसके आगा के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होगा, इसका कहीं कोई शक नहीं। हमारा भविष्य हमारे बच्चे ही, और हम अगर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, चाहे परिवार का भविष्य हो, चाहे प्रदेश का भविष्य हो, चाहे देश का भविष्य हो, तो अपने बच्चों को संवारना, उनको केपेबल बनाना, उनको इस लायक बनाना होगा कि वह देश, प्रदेश और देश को आगे ले जाए। यह बहुत ही कठिन काम, आसान काम नहीं, और इसके करने के लिए जो गुण चाहिए वो गुण अलग है। और वैसा गुण और वो सभी गुण अभिभावकों में भी चाहिए, उनके पेरेंट्स माता पिता में भी चाहिए, और शिक्षकों में भी चाहिए, और विद्यालय में तो चाहिए ही चाहिए। ये गुण क्या है? सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो बच्चे हैं हमारे, वो एक नाजुक फूल की तरह है। आप जोर से डांटिएगा तो कोमला जाए, जो सीखने की प्रवृत्ति है वो बंद हो जाए। आप अगर शिक्षक हैं या अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं, तो आपने पेशेंस होने की आवश्यकता है, असीम पेशेंस होने की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता, त्याग की आवश्यकता। आप में यह धैर्य होना चाहिए, यह पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको सवालों को सुने, उसको सवाल करने पर प्रेरित करें, सवाल करने पर उसको डांट नहीं दें। तो स्कूल का, स्कूल के बिल्डिंग्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आज स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वहां के शिक्षक। तो मैं इस विद्यालय के संस्थापकों से यही निवेदन करूं कि आप कुछ अधिक वेतन दें, लेकिन सबसे अच्छे शिक्षक रखें, सबसे अच्छे शिक्षक, क्योंकि शिक्षक से ही स्कूल बनता है, शिक्षक और शिक्षिकाओं। और जब भी आप शिक्षक और शिक्षिकाओं का चयन कर रहे हैं, तो
उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को देखें, साथ ही साथ उनका साइकोलॉजिकल ब्रेकअप भी करें, उसका भी असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर कि जो विकसित देश है उधर पर ध्यान जाता है, वहां ध्यान जाता है, वहां लोग ये सब चेक करते हैं, ये हमारे यहाँ चेक नहीं करते, हम लोग इसे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पर चेक करते हैं। हमको चेक करना होगा कि जो शिक्षक है उनमें धैर्य है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, स्नेह है कि नहीं, सवाल सुनने का उनके पास पेशेंस है कि नहीं, उसका जवाब देने का पेशेंस है कि नहीं, बच्चे को समझाने का पेशेंस है कि नहीं, ये शिक्षक को ये होना चाहिए कि तो बच्चा का मस्तिष्क इससे डेलिकेट काम करो, और इसी के लिए ये गुण सभी शिक्षकों में चाहिए। पढ़ाने के तरीका में हम लोग को बदलाव करना, आज धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, विकसित देश विकसित इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पढ़ाने के तरीका में बदलाव ला दिया है, इसीलिए वो विकसित है। वो विकसित इसलिए है क्योंकि वहां जो स्कूल है या कॉलेज है वहां के छात्रों को सवाल पूछने की आजादी है, नए बातें करने की, नई सोच देने की आजादी है, हमारे आगे नहीं। अब धीरे धीरे ये आ रहा है, जो एडवांस स्कूल या एडवांस कॉलेज है उसमें आ रहा है अपनी बात कहने, एक नए दृष्टिकोण से किसी भी मसले को देखने, एक नए एंगल से किसी प्रश्न को देखने, ये हमारे यहाँ जो पहले का टेंडेंसी था वो था सिर्फ रखने का, ये है साथ रख कर के आओ और उसको तुम इम्तिहान के दौरान पढ़ने पर आंसर शीट पर उतार, उसे बच्चा विकसित नहीं हो सकता, उसे वो बच्चा आविष्कार नहीं कर सकता, नई चीज नहीं बना सकता। इसीलिए जो हमारे यहां उतना आविष्कार नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका में हो रहा है, नई नई चीज। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे उद्घाटन समारोह में, क्या कहेंगे? माननीय आर के सिंह हमारे विद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय मंत्री ने अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों के यहाँ आए और पेरेंट्स से टीचर से अच्छी अच्छी बातें की, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि अच्छे टीचर्स ही स्कूल के मेन न्यू होते हैं, और हमारा भी शुरू से यही मोटो रहा हुआ है कि हम अच्छे से अच्छे टीचर्स अपने स्कूल में लाएं, और हमारा जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोग भर्ती की प्रतिक्रिया करते हैं, और वो सारा चीज़ होने के बाद ही हम लोग टीचर सेलेक्ट करते हैं, और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल आरा माइलस्टोन साबित होगा आरा के लिए, क्योंकि इस विद्यालय में शिक्षा तो जो सबसे ज़रूरी है, शिक्षा के साथ साथ बच्चों का शारीरिक विकास कैसे हो, मानसिक विकास कैसे हो, बच्चे नेशनल लेवल पे कैसे खेले, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे खेले, इन सारे खेलों के लिए हमने इतने एक्टिविटी और स्पोर्ट्स प्रोग्राम अपने स्कूल में रखे हुए हैं, और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बच्चे पढ़ें, इसीलिए हर तरीके का इंटरनेशनल नेशनल एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की सारी सुविधा, हॉर्स राइडिंग, गन शूटिंग, आर्चरी से लेकर जितनी भी स्विमिंग हो, स्केटिंग हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जैवलिन थ्रो हो, डिस्कस थ्रो हो, जितने तरीके के ओलंपिक गेम्स होते हैं सारे के सारे गेम्स की सुविधा भी हम बच्चों को देने जा रहे हैं, क्योंकि जीडी गोयनका का मेन मोटो होता है कि उनके बच्चे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके ओलंपियाड में जाके गोल्ड और सिल्वर लेके आए, यही इनका मेन मोटो है, और मैं आर के सिंह जी का तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपने माता पिता का शुक्रगुजार हूँ, अपने बड़े भाई कमलेश सिंह का शुक्रगुजार हूँ, तमाम अभिभावकगण का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे विद्यालय परिसर में आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, और बहुमूल्य समय देने के बाद
हमारे चीज़ों को सुने समझे और अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन करें। आरा में बिहार का कौन सा ब्रांच खुला है छठाया साहब? आरा में बिहार का नवा ब्रांच जेडी गोयनका आरा में। किस स्टैंडर्ड पे आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं? जैसे कि एज पर सीबीए हम जी नर्सरी टू सेवन स्टैंडर्ड तक स्कूल खोले हुए हैं। इस साल हम लोग एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, देन जुलाई अगस्त में हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड? हम सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं। जीडी गोयनका का पूरी स्कूल सीबीएसई बोर्ड को नहीं फॉलो। अक्सर ये गार्जियन के माइंड में परसेप्शन होता है कि एक ब्रांड स्कूल है तो काफ़ी कॉस्टली पढ़ाई होती है, आपके यहाँ फी का मिनिमम स्ट्रक्चर क्या आपने रखा है? मेरे यहाँ फी का जीडी गोयनका एक महंगा स्कूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे जीडी गोयनका एक महंगा स्कूल है, बट आरा के पेरेंट्स को देखते हुए, क्योंकि हम भी आरा से ही हैं, हम भी आरा से ही बिलोंग करते हैं, और आरा के पेरेंट्स को देखते हुए हमने अपने फी स्ट्रक्चर को इतना कंसेशन रेट पे ला के रखा, इतने कम कर दिए हैं कि हमारा फी स्ट्रक्चर एक आम स्कूल के फी स्ट्रक्चर के बराबर है। और उस आम फी स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं पूरी की पूरी एक्टिविटी मैं उसी फी पे प्रोवाइड कर रहा। कमलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज विद्यालय का उद्घाटन किस तरह से आप आरा वासियों को सुविधा देंगे? आरा वासियों के लिए जो सुविधा हमने दी है वो शायद बिहार में किसी स्कूल में अभी नहीं। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमने दी है, हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग पूल हो, और जो यहाँ पे एथलेटिक्स के टीचर हैं वो नेशनल लेवल के हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। टीचर्स लोकल हैं या बाहर से? अपने बाहर के हैं। और इसका इंटरव्यू का जो सिस्टम है ये दिल्ली की एक पैनल टीम आती है जीडी गोयनका की, वो टीम ही यहाँ इंटरव्यू लेती है, उसमें कोई किसी का पैरवी और कोई किसी का कोई चलता नहीं है। तो जो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू फेस करता है, जो सेलेक्ट होता है, वही यहाँ पे पढ़ने के लिए ये होता है। तो कहने का मीन्स ये है कि जो भी टीचर्स हैं जो हाई क्वालिफाइड हैं, और म्यूजिक टीचर हो या स्पोर्ट्स टीचर हो, सब भी इतने अच्छे लेवल के हैं कि मतलब जो बच्चे को जो यहाँ पे एजुकेशन देंगे, इसमें ओलंपिक्स के भी सारे गेम्स सिखाए जाएंगे। सारे गेम्स हैं, आपको हॉकी है, आर्चरी है, हॉर्स राइडिंग है, जितने सुविधा यहाँ इस स्कूल में दिया जा रहा है, स्केटिंग है, बिहार में किसी स्कूल में अभी तक नहीं। आरा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आरा के लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये अपनी मानसिकता निकाल दें कि महंगा स्कूल है। हम लोगों ने यहाँ पे इस स्कूल को उस लेवल पे ही फी रखा है जो और स्कूल में जो हैं, लेकिन जीडी गोयनका का इंडिया में जहाँ भी है बहुत महंगा है। लेकिन आरा में आर के सर ने भी जब सुना था कि इसका फी स्ट्रक्चर जब सुना था तो इतना वो मतलब खुशी जाहिर किए कि बोले कि इतना सस्ता स्कूल आ रहा है जीडी गोयनका अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद। 1